फ़ज़ल स्टूडियो मैसूर अपनी जानिब से फारूकिया हाई स्कूल के तमाम SSLC के तलबा और तालिबात का और दीगर स्कूल के स्टूडेंट्स जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप तमाम को फ़ज़ल स्टूडियो की जानिब से दिली खैर मख़दम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। यू आर ऑल वेलकम। बच्चों, जैसे कि छुट्टियाँ हैं, इन छुट्टियाँ आपके ज़ाया ना जाएँ इस ख़्याल को रखते हुए हमने एक रिवीजन क्लास का अहतमाम किया है, जो आप व्हाट्सएप में इस रिवीजन क्लास को देख सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास स्टार्ट करें। और सबसे पहले जो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, इन प्रॉब्लम्स को आज हम सीखते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस स्टार्ट अवर क्लास विद ए वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सॉल्व एक्स एंड वाई बाय एनी मेथड। एक्स एंड वाई को सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और उसी तरह एक्स की वैल्यू हासिल करने के बाद वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ वी अप्लाई हियर एलिमिनेशन मेथड। नाउ लेट अस राइट द क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नाउ लेट अस कॉल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एज आवर इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एज आवर इक्वेशन 2। नाउ लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3 एंड द इक्वेशन 2 बाय 2। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3, दैट इज 3 इंटू 2 बिकम्स 6, दैट इज 6x, देन y इज 1y, 1y इंटू 3 इज 3y, एंड 5 इंटू 3 इज 15, एंड मल्टीप्लाइंग 3 टू ऑल द वैल्यूज वी विल गेट 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। नाउ इन द सेम वे what we do is we multiply the second equation by 2. So 2 into 3x is 6x, 2 into 2y is 4y, and 2 into 8 is 16. Now the equation 1 and equation 2 becomes 6x plus 3y is equal to 15, 6x plus 4y is equal to 16. Now actually we will change the sign of the second equation, new second equation what we got. Now minus 6x and plus 6x gets cancelled, then minus 4y plus 3y that gives minus y, and minus 16 plus 15 gives minus 1. So we got finally minus y is equal to minus 1. Right hand side also minus is there, left hand side is also minus there. So minus and minus gets cancelled, we will get the value of y is equal to 1. And we have got the value of y is 1. Now let us put the value of y is equal to 1 in the equation 1. Either you can take the equation 2 also, we will take the value of y in equation 1. So the one equation is 2x plus y is equal to 5. Now 2x plus, instead of y, here we will write 1 is equal to 5. Then 2x is equal to 5 minus 1, that is 2x is equal to 4, then the value of x is equal to 2. That means we got the answer x is equal to 2 and y is equal to 1. That means we have solved the given equation. Well students, humne x and y ko solve kiya pehle problem mein. ठीक उसी तरह का और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सॉल्व एक्स एंड वाई बाय एनी मेथड। किसी भी मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
लिखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, जिसे इक्वेशन 1 समझा जाएगा, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे। ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 3y इज 6y, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 हो गया। और फिर इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो सेम एज इट इज इक्वेशन आएगा। और फिर पहले की तरह साइन चेंज करेंगे, 2x के नीचे हम माइनस डालेंगे क्योंकि वहाँ पर प्लस रहेगा, और माइनस 3y जो है उसे प्लस 3y बनाएंगे, फिर 12 जो है उसे माइनस 12 करेंगे। तो क्या होता है, 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, उसके बाद 6x प्लस 3y सॉरी 6y प्लस 3y क्या होता है, 9y होता है, इज इक्वल टू 12, और 12 भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 0। तो 9y 0, तो y की वैल्यू क्या होती है, जब 9y 0 होता है तो y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 0। अब हम y की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पर इक्वेशन 1 में y आता है वहां पर y की जगह हम लिखते हैं 0। तो लिखेंगे एक बार, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3, अब उसके बाद y है तो y की जगह में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, इज इक्वल टू 6। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 0, 0 क्यों होता है, 3 इंटू 0 यानी 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 6। आइए अब एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर बार एग्जामिनेशन में इस तरह का एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है, सो डेफिनेटली वन प्रॉब्लम इज श्योरली अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फार्मूला मेथड, इसको ऐसा भी दे सकता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको देखते ही हमारे जहन में ये बात आती है कि ये जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जैसा है। तो यहाँ पर ए बी और सी के वैल्यूज़ इस इक्वेशन से हम निकालते रहें, जैसे कि ये इज इक्वल टू 2 होता है, बी इज इक्वल टू माइनस 3 और सी इज इक्वल टू 1। तो ये इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 3 और सी इज इक्वल टू 1, जबकि हमें फार्मूला मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला। तो द फार्मूला, ये जो पॉपुलर फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू, दैट इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर फार्मूला हम लिखेंगे तो हाफ मार्क हमें मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इस फार्मूले के तहत आइए हम जो वैल्यूज जो हम एक्स्ट्रैक्ट किए हैं ए बी और सी के, उन वैल्यूज को इस फार्मूले से सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस फार्मूले का जो है वो माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू दी गई है माइनस 3, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं माइनस 3, उसके बाद प्लस आर माइनस है तो यहाँ भी प्लस आर माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट साइन है, स्क्वायर रूट साइन लगाते हैं, फिर बी की वैल्यू माइनस 3 है तो यहाँ भी माइनस 3, वहाँ पर बी स्क्वायर है तो उसे भी माइनस 3 द स्क्वायर डालते हैं, फिर फार्मूले में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, फार्मूले में 4 है तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, फिर ये है, ए की वैल्यू दी गई है 2, तो ए की जगह में हम लिखते हैं 2, और सी की वैल्यू दी गई है 1, तो सी इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो आइए अब दूसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। उससे पहले जो डिनोमिनेटर है
टू ये है, टू ए इज इक्वल टू टू, यानी टू इंटू टू लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, माइनस ऑफ माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस आर माइनस जो है प्लस आर माइनस, स्क्वायर रूट साइन, उसके अंदर में माइनस थ्री स्क्वायर, यानी माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, थ्री इंटू थ्री नाइन हुआ। तो यहाँ पर माइनस थ्री स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं नाइन, फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फोर इंटू टू इंटू वन, फोर टू ज़ा एट हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टू टू ज़ा फोर। फिर उसके बाद का स्टेप होता है थ्री प्लस आर माइनस रूट ऑफ नाइन माइनस एट, नाइन में से एट को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वन होता है, तो रूट वन डिवाइडेड बाई फोर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, थ्री प्लस आर माइनस वन, यानी स्क्वायर रूट वन की जो वैल्यू है हम लेते हैं वन। उसी तरह अगर क्यूब रूट वन हो तो भी उसकी वैल्यू वन ही लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है उसका वैल्यू वन होता है, डिवाइडेड बाई फोर। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ थ्री प्लस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर, या हम उसको एलाबोरेट करके लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वन बाई फोर, और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन बाई फोर। फिर एक स्टेप, थ्री प्लस वन क्या होता है फोर, फोर डिवाइडेड बाई फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन बाई फोर, थ्री माइनस वन हुआ टू डिवाइडेड बाई फोर, यानी कि वन बाई टू। तो एक्स के दो वैल्यूज हमें मिलते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन या एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, सॉल्व बाई फार्मूला मेथड, ठीक उसी तरह जो जैसे कि हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया फार्मूला मेथड से, ठीक उसी तरह उसी मेथड से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के जैसा ही है। यहाँ पर ए बी और सी के वैल्यूज लेते हैं, ए की वैल्यू होती है वन, बी की वैल्यू होती है माइनस सेवन, और सी की वैल्यू होती है ट्वेल्व। ठीक उसी तरह लेट अस राइट द फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द अबव फार्मूला, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सो माइनस ऑफ माइनस सेवन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सो माइनस सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन सी इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू ए, दैट इज टू इंटू वन, माइनस ऑफ माइनस सेवन इज प्लस सेवन प्लस आर माइनस रूट माइनस सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन, बिकॉज माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन इंटू सेवन इज फोर्टी नाइन, माइनस फोर इंटू वन इंटू ट्वेल्व इज फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू इंटू वन इज टू। सो दिस इज सेवन प्लस आर माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 48 इज 1, तो 7 प्लस आर माइनस रूट 1 बाई टू। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 7 प्लस आर माइनस 1, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाई टू। नाउ एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बाई टू, आर एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 बाई टू। When x is equal to 7 plus 1 by 2, 7 plus 1 becomes 8, 8 by 2 is x is equal to 4, or x is equal to 7 minus 1 by 2, or x is equal to 7 minus 1 is 6 by 2, that is x is equal to 3. The two values what we got is x is equal to 4 and x is equal to 3. This completes the answer.